ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर, कैंसर डे के मौके पर ग्लोकल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान रैली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को बीमारियों से बचने के लिए जागरूक किया गया। बुधवार को मिर्जापुर स्थित ग्लोकल यूनिवर्सिटी व ग्लोकल कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर के सौजन्य से विश्व कैंसर डे मनाया। विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे के जरिए दुनिया भर के लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसमें ग्लोकल कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस और रिसर्च सेंटर के छात्र छात्राओं ने मिर्जापुर पॉल क्षेत्र के गांव व ग्लोकल यूनिवर्सिटी में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर इस जानलेवा बीमारी के प्रति लोगों को गांव में रैली निकालकर जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों को समझाया गया कि दुनिया की सभी जानलेवा बीमारियों में कैंसर सबसे खतरनाक है, क्योंकि कई बार इसके लक्षणों का पता ही नहीं चलता। जब इस बीमारी के होने का खुलासा होता है तब तक काफी देर हो चुकी है और कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका होता है। छात्र छात्राओं ने गांव का संपुर, माजरा पाड़ली तथा मिर्जापुर पॉल आदि में नुक्कड़ नाटक व रैली के जरिए लोगों को जागरूक किया। नमस्कार भाई और बहनों, हम लोग आज ग्लोकल पैरामेडिकल कॉलेज की तरफ से आए हैं मिर्जापुर गांव में एक सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम लेके। हमारे बच्चों ने गांव के आसपास के लोगों को जागरूक किया है कैंसर के प्रति, क्योंकि आज पूरे विश्व में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, इसी के लिए हमारे बच्चों ने एक सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। बहुत चलते हैं बच्चों के पास, बच्चे बताएं। हम ग्लोकल कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस के स्टूडेंट छात्र छात्राएं आज लोगों को वर्ल्ड कैंसर दिवस के मौके पर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूक करने आए। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश, हमारे परिवार वालों को, हमारे देश को धीमा की तरह धीरे धीरे खोखला करके छोड़ देती है। आज हमारा इस प्रदर्शन के पीछे एक मकसद था, लोगों को इस कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूक करने का। हर साल हमारे भारत में साढ़े ग्यारह लाख केसेस रिपोर्ट की जाती है, जिसमें से ज्यादातर केसेस अवरक्तन की होती है और 7.5 लाख केसेस में हर पेशेंट की डेथ हो जाती है। तंबाकू की साथियों, कैंसर के साथियों के बारे में, तंबाकू, शराब, प्लास्टिक, इन सब चीजों के सेवन से कैंसर होता है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग के बारे में हमने लोगों को जागरूक किया। सिर्फ इतना ही नहीं कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर आप धूम्रपान कर रहे हो तो आपको जानलेवा बीमारी हो सकती है। अगर आपके बगल में बैठा हुआ कोई भी इंसान स्मोकिंग कर रहा है, आपकी सेहत को भी उतना ही हानि पहुंच सकता है जितना उस पीने वाले को।